बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप फ्रेंड्स? आई होप कि आप ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ अपना स्नो का व्लॉग शेयर करूंगी। आज मुझे काम से कहीं पे जाना था, तो गाड़ी तो मैं ले ही लेके जा सकती थी। मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। इधर मैं गाड़ी से स्नो को रिमूव कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा स्नो गाड़ी पे जमा हो गई थी, तो मैंने सोचा चलें आज इसे रिमूव करती हूँ और साथ में आप लोगों को भी लेके चलती हूँ। ये देखने में तो बहुत इजी लग रहा है, लेकिन तकरीबन मुझे 1 आवर लग गया था बस स्नो को ही रिमूव करते हुए। और आप लोगों के वेदर कैसा है मेरे साथ ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। बहुत सर्दी थी और ये मेरा व्लॉग कुछ दिन पहले का है, मैं शेयर नहीं कर पाई आप लोगों के साथ। मैंने सोचा चले आज शेयर करती हूँ। एक अच्छी खासी तह स्नो की थी गाड़ी पर, जिसे रिमूव करते हुए तकरीबन काफ़ी टाइम लग गया था। देखने में तो ये इजी लगता है, लेकिन ये एक इंसान नहीं कर सकता क्योंकि सर्दी भी बहुत है, हाथ भी बहुत ठंडे हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड भी साथ मेरे हेल्प करवा रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। और आप किस तरह के व्लॉग देखना पसंद करेंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आप मेरा व्लॉग पसंद करेंगे। एक साइड को मैंने साफ कर लिया है, अब मैं दूसरी साइड से भी थोड़ा कर लूँगी। प्लीज वीडियो को फुल वॉच किया करें। और जर्मनी में स्टिल लॉकडाउन चल रहा है दिसंबर से।
नॉर्मल इस वीक में सारी शॉप्स ओपन होनी चाहिए थी, लेकिन दोबारा लॉकडाउन इन्हें बढ़ा दिया है इस मंथ के एंड तक। अब देखें नेक्स्ट वीक ये क्या करते हैं। स्नो में ड्राइव करना बहुत मुश्किल होता है। आप देखें कि ये गाड़ी मेरी आगे नहीं जा रही। तकरीबन 1 आवर से ज़्यादा हमने बाहर हो गया है गाड़ी को साफ करते हुए। अब मैं गाड़ी के फ्रंट से भी थोड़ी सी स्नो रिमूव करूँगी तो फिर ही गाड़ी हमारी बाहर निकलेगी। ये तकरीबन हर साल ही ऐसा होता है जब ज़्यादा हैवी स्नो होती है। पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं अकेली ही इसे रिमूव कर लूँगी, बट जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं आधी भी रिमूव नहीं कर पाई। ये देखने में तो इजी लगता है लेकिन करने में बहुत मुश्किल है। मैं दोबारा कोशिश कर रही हूँ लेकिन अभी भी गाड़ी को मैं बाहर नहीं निकाल सकती। अभी थोड़ी सी स्नो रिमूव करनी पड़ेगी आगे से भी तो फिर ही गाड़ी को हम बाहर लेके जा सकते हैं। स्नो जब तक गिरती है तभी अच्छी लगती है, लेकिन जब ये 4-5 दिन हो जाते हैं तो उस पर चलना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। आई होप कि मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। मेरा इंस्टा अकाउंट भी है, अगर आप चाहें तो मुझे उधर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।